पिछले 4 सालों से पुष्कर में रहकर पेंट का काम करने वाले मजदूर लॉकडाउन के चलते खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें ना तो समय पर भोजन मिल पा रहा है और ना ही उनके पास पैसे हैं। ऐसी स्थिति में वह अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरा पैदल ही रवाना हो रहे हैं। इसी बीच अगर प्रशासन कोई व्यवस्था करता है तो ठीक, अन्यथा उनके पास पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अजमेर कैसा आना हुआ? अजमेर हम काम करते हैं, काफी 4 साल हो गए अजमेर काम करते हुए। यहाँ पे क्या हम लोग फंसे हुए, खाना नहीं मिला खाने के लिए, इसलिए हम लोग आ गए बस स्टैंड पे। अखबार में देखे हम लोग यहाँ से अजमेर से जयपुर के लिए जा रहा है बस, और जयपुर से दिल्ली बस ये सब जा रही है, आगरा आगरा इससे सब गांव जा रहे हैं, इसलिए हम भी आ गए इधर। अगर बसें नहीं मिलती तो पैदल जाएंगे? अब कोशिश तो करेंगे पैदल ही, अगर सरकार तो करेगी कुछ तो करेगी व्यवस्था है। कितने जने हैं वहाँ? 12 हैं। कितने दिन से नहीं मिला खाना खाने? 2 दिन हो गया। भैया हम लोग सुल्तानपुर से हैं, हम लोग पेंट का काम करते हैं सर। क्या हम लोग के पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, क्या करेंगे इधर? तो हम लोग जा रहे थे गाँव। कौन सा गांव है आपका? लखनऊ। तो कोई पैदल जा रहे है? पैदल नहीं, सुनाई ये दिया कि जयपुर से बस चालू, इधर से भी चालू है, जयपुर से के आदमी लोग हमारे गए गांव। अच्छा जी, अगर बस नहीं चालू होते तो पैदल जाएंगे? जी। अभी सर क्या करें, की समस्या उठानी सर, क्या खाने को नहीं हम लोग को 2 दिन से। जी सेठ के पास, सेठ के पास जब घर मालिक पैसा नहीं देगा हम लोग को कहाँ पैसा मिलेगा, फिर सेठ कहाँ से ला के देगा पैसा? जी हम लोग 12 आदमी हैं सर। 12 जी। तो अभी पैदल ही जा रहे हैं? जी। कहाँ तक गए? अब जहाँ तक जाएंगे देखेंगे सर।